हे गाइस, वेलकम टू द किंग्स क्लब। और किंग्स क्लब के एक और नए वीडियो में आप सभी किंग्स क्लब फैमिली मेंबर्स का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि हमारे धमाकेदार सिग्नल देने के बाद हमारे को रेस्क्यू टीम का प्लेन तो आ गया, जिसे देख के खुश तो बहुत हुए हम, पर हमारी खुशियों को इमुचो की नज़र लग गई और अब वो प्लेन हमें रेस्क्यू करने की बजाय हमें रेस्ट इन पीस करने आ रहा है। इससे पहले वो हमारे पे गिरे, चलो भागो यहाँ से। और बता दूँ तो इससे पहले के जितने भी एपिसोड हैं ना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पहले हो सके तो आप पहले वो देख लो ताकि ये एपिसोड का आप पूरा मज़ा ले सके। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये लोग इतनी आसानी से तो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। देखा जाए तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने, पूरी कोशिश है इनकी। नहीं 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 नहीं, बचा तो से, मुझे नहीं लगता ऐसा। लारा कूद जा। ओ भाई साहब, भाई बाल बाल बचे हैं, बाकी प्लेन ने तो कोई कसर छोड़ा नहीं था हमें मारने का। फाइनली सांस ले ले लारा, सांस ले ले। अब यहाँ से जाना कहाँ है? ओके, लो पायलट ने भी एजेक्ट कर लिया है, तो चलो पायलट के पास जाया जाए। तो पायलट ने भी सरवाइव कर लिया है, तो पायलट के पास आई थिंक दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए कोई ना कोई, तो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं। ये कहीं मजबूत नहीं लग रहा मेरे को भाई, जल्दी 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 जल्दी। ऐसी जगहों पे घर बनाता कौन है जो इतना कमजोर है? इसका बिल्डर कौन है? भाई साहब देख, तो एक सड़ा हुआ घर बनाया है, उसमें भी कोई छोटा सा बंदा भी चढ़ जाए तो टूट जा रहा। मुझे नहीं लगता पायलट से पहले मैं ही मर जाऊंगा। बच गया। लगता है पायलट है। ओ भाई साहब, पायलट तो चुलबुल पांडे था मतलब, अब नहीं रहा। इन्होंने पायलट को भी खोल दिया। ओ भाई, बम भी फेंक रहा है भाई। यार दिवाली अभी बाकी है, अभी कहाँ मना रहा। पहले पेटी लूट देता हूँ तेल लेने के। वो ओके चलो, अब पायलट को खोलने वाले को खोल देते हैं। भाई साहब ने पायलट का खोपड़ा ही खोल दिया है, खोपड़ा नहीं मतलब छुरा घोप दिया। अरे रुक जा, ठंड रख, डर लग रहा है यहाँ पे। मान मान बचे हैं। और भाई आगे ये ले भाई, कितनी गोलियां खाएगा, मर गया। चलो भाई साहब, एकमात्र छोटी उम्मीद जब तक जगाई थी मैंने, वो भी उसने ख़त्म कर दी। अब पता नहीं क्या होगा, अब वो रोथ भाई भी पता नहीं कहाँ है और मैं कहाँ पे आके फंसा हूँ मुझे भी नहीं पता। पायलट तो मर ही गया, इन्होंने पायलट को भी निपटा दिया है। अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम भी इस आइलैंड के निवासी बन जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ आराम फरमाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और गहरी सांस लेके सोचते हैं करना क्या है। बेचारी बहुत दुखी है, सीधी भाषा में बोलूं तो। फाइनली किसी ने कांटेक्ट तो किया। स्टॉर्म, इट केम आउट ऑफ नोवेयर, दीस क्लाउड्स, दे जस्ट सराउंडेड द प्लेन। लारा लिसन, आई सॉ द क्रैश फ्रॉम हियर, सो यू मस्ट बी क्लोज टू माय पोजीशन, जस्ट गेट बैक हियर सेफ। ऑलराइट, ऑन माय वे। ओके,
लारा ने अपनी सिचुएशन समझाई तो रोत कह रहा है कि काम करो, तेरे से ना होगा, मेरे पास आ जा। और मेरे पास ही क्रैश हुआ है, मैं उसके क्रैश पॉइंट के बाजू में ही हूँ, तो चलो जाते हैं। बोल साला, एक मुसीबत जाए नहीं कि दूसरे आ जाते, अब इसको क्या चाहिए। एक दो, एक लग जा, लग गया, ये लगा, बड़ा आया लटकाने वाला, फिलहाल बच तो गया। ओके, रस्सी, अब क्या रस्सी से पकड़ के मारना है। ओके, ये हुई ना बात, मतलब रस्सी से उनके पोजीशन को ही हिला दो, टेंशन ही नहीं, पर मैं बंदूक से मारेगा। एक गया, अरे भाई साहब मर जा, अरे कितनी गोलियां खाएगा, अरे भाई साहब पागल है वो बंदा, आई थिंक डर के मारे मर गया मेरे ख्याल से, मेरी गोली लगी नहीं है उसे, आप ध्यान से बैक करके देख सकते हो, मैंने उसे गोली नहीं मारी है। चलो खैर, कोई ना, मरा तो मरा, मेरा क्या जाता, हमें रोज से जैसे भी कैसे भी करके मिलना है, वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं क्या है, क्या होता है। ओके, यहाँ से ऊपर जाएं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हिमिको की नज़र तो लग गई, जिस वजह से अरे यार नीचे ही गिर गया। कोई नहीं, यहाँ पे एक डेड बॉडी गिरी थी, उठा ली। चलो फाइनली रोज से मिलते हैं और यहाँ से निकलने के बारे में कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं, क्योंकि रोज से नहीं मिलेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बनता है ना सर्वाइविंग में, तो एक वही है हमारे पास, क्योंकि एक्स रॉयल मरीन रह चुका है तो उसके पास एक से एक सर्वाइव करने के तरीके होंगे, हमारे पास तो नहीं है। यहाँ कुछ है क्या? कुछ नहीं है। कर्नल रोथ कहने के मुताबिक तो आसपास ही होने चाहिए, तो मैं भी इस गुफा के उस साइड रोथ हो, कर्नल रोथ मिल जाए हमें, क्योंकि वो मिलेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि आगे करना क्या है, क्योंकि हमारे पास एक होप था, वो तो हार ही गए। चलो फाइनली मिल तो गए हैं, चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। There was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey, we'll find another way. Mayday, mayday. It's co-pilot Jessica Barrett. Another pilot. 1-7-7-8. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed. I need urgent aid. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lara. You can't save everyone. I know. बात सही बोल रहा लारा रोथ। No. You know कि हम सबको नहीं बचा सकते। Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. Okay. बंदी ढीठ ही है, समझेगी नहीं। रोथ के लॉस और सेक्रीफाइस के बीच का फ़र्क समझाने के बावजूद भी लारा ने को-पायलट को बचाने का डिसीजन लिया है। बस वो बंदा हमारे मिलने तक जिंदा हो और हमसे बात करने के हालात में हो,
ताकि हमें बता सके कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तब तक मैं इन्हें ठिकाने लगा दूँ। एक मिनट, ये लोग हेलमेट वेलमेट लगा के पबजी की फैन फॉलोइंग यहाँ तक है। देखो दूसरे लेवल का हेलमेट है, बट ज़्यादा काम नहीं किया बंदे में। ये तो बिना हेलमेट का है, शायद इसे लूट बॉक्स में से हेलमेट नहीं मिला था। बाकी आए तो पूरी तैयारी के साथ ही थे, पता नहीं किस चीज़ की सिक्योरिटी कर रहे थे यहाँ पर अब क्या फ़ायदा, मारे गए। We followed a group of men to some kind of city. This place is insane, Roth. What the hell are they doing here? I don't know, and I don't think I want to know. Any sign of Sam or Whitman? Nothing yet. Are you with Lara? Yes. We'll be heading down the mountain soon to meet up with you. Okay. We'll try to get in a bit closer. Keep this channel open. इसको कैसे जलाएं? ओके, ऐसे नहीं, बुद्धा नहीं। ओके, ऊपर जाके उस मसाल में आग लगाते हैं। गेम ग्लिच, यहां भी गिर गया। सही है, अला जिंदगी गिरी हुई। ये क्या हुआ भाई, क्या है, पता नहीं क्या है गाइस, बट मिल गया। चलो अब अपन क्या करेंगे, मसाल को उस साइड खींचेंगे जिससे उधर आग लग जाएगी शायद। अरे बंदूक से नहीं, इससे खींच, लग तो जानी चाहिए, लग गया। देखा, और गिरने से पहले ही मैंने तोड़ भी दिया। अब चलो पायलट से मिलते हैं जाके, और उस सिग्नल पे पहुंचने के लिए काफी मेहनत लगेगा, चलने पड़ेंगे भाई। भाई साहब देख रहे हो, और ब्लू कलर का सिग्नल है, हमें वहां जाना है एग्जैक्टली। राइट में जो ब्लू कलर का सिग्नल दिख रहा है ना, वहां पे जाना है। कोई है शायद, वो बंदा तब तक फिनिश करे, इसको फिनिश कर देते हैं। और अब इसकी बारी। ढंग के बंदे को नौकरी पे नहीं रख के सिफारिश लेके नौकरी पे रखोगे तो यही होना है, तुम्हारा बंदा मुतता रह जाएगा और बाहर वाला काम कर जाएगा। एक के बाद एक दोनों मर गए, दोनों में से किसी एक को भी पता नहीं चला किसके साथ क्या हुआ। और करा लो सिफारिश पे सिक्योरिटी। ओ भाई, बस वो पायलट वन पीस में मिल जाना चाहिए, क्योंकि भाई जिंदा मिला तो हमारे काम का है, नहीं तो हमारे किसी काम का नहीं है। और मिलना चाहिए जिंदा, क्योंकि वही एक अपना लास्ट होप बचा है। दूसरी एक हमारी फ्रेंड है, आपको पता हो तो शुरुआत में जो गायब हो गई, वो भी अभी तक नहीं मिली है, और ना ही वो बंदा मिला है हमको जो उसके साथ बैठा हुआ था। मिथाइस नाम था आई थिंक उसका। और जो हमारी फ्रेंड सैम थी, वो कोई स्टोरी सुना रही थी हिमिको के बारे में, बट हमारी थकान के कारण आँख लगने से हम सो गए थे, और आँख खुलते ही वो दोनों गायब थे। तब क्या हुआ हमें नहीं पता, बट हमें खोजना ज़रूरी है। इससे पहले हम वहाँ पे पहुँचे, लगता नहीं है पहुँच पाएंगे। भाई सही था मैं, आराम से लारा जल्दी कर, क्योंकि लकड़ी इतनी मजबूत भी नहीं है।
बस टूट ना जाए। पहुंच गया और टूट गया। ओ भाई बच बाल बाल बची। सांस ले ले। ओके सिग्नल तो यहीं तक का है। मेरे ख्याल से बंदा जिंदा ही होगा क्योंकि यहाँ पे लैंड हुआ है और अंदर तक चला गया आई थिंक पैदल पैदल। तो चलो ये शायद हमें जिंदा मिल जाए। तो अंदर जाते हैं देखते हैं और कितना अंदर घुस के बैठा है। कोई सेफ पॉइंट पे ही बैठा होगा। देखते हैं। ओ अरे कहीं तो ढंग से लैंड कर ले। I hope so. Any sign of Sam? He was attracted to some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry. She's probably just sightseeing. अरे यहाँ sightseeing करने कौन जाता है? You have to be careful in there. Good luck. तो लारा ने रोथ से पूछ लिया कि सैम मिली क्या? तो रोथ बोलता है कि don't worry. वो आसपास से कहीं sightseeing करने गई होगी। तो शायद रोथ भी ऐसा है कि उसे खोजने के लिए निकला तो है बट उसे भी नहीं मिली है। तो आई होप वो मिल जाए क्योंकि यहाँ से हम सबको जितना हो सके जल्दी और एक साथ निकलना है। तो उस वो मिल जाए क्योंकि रोथ लारा का बॉडीगार्ड होने के नाते लारा को सबसे पहले लेके निकलने की कोशिश करेगा क्योंकि रोथ पहले ही बोल चुका है कि हम सबको एक साथ नहीं बचा सकते। तो उसका पहला काम यही होगा कि लारा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो खैर चलो हम उसको पायलट को जितना जल्दी हो सके खोजते हैं और उसके पूछते हैं कि यहाँ से कोई दूसरा रास्ता है निकलने का। ओके क्योंकि यहाँ से दूसरा रास्ता कोई मिल जाता है तो शायद हम रोथ को कन्विंस कर सकें कि भाई हम सारे जितने भी लोग आए थे उनके साथ ही निकले। ओके सामने कुछ है तो खरी। ओके हिमिको की मूर्ति है देख रहे हो कितना बड़ा है। भाई मौसम तो ऐसे भी काफी खराब लग रहा है। वेट अ मिनट सामने कोई है आई थिंक वो पायलट है। उधर 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 इधर नहीं। फाइनली जिंदा मिल तो गया है पर लगता नहीं है कि ज्यादा देर जिंदा रहेगा। लो ये क्या आया भी? भाई साहब लो जो बंदा मिला था वो भी मर गया। मिथाइस ओ मिथाइस मिल तो गया पर लगता नहीं है अपने को मदद करने आया है। ये लगा ही था मुझे मार। ये लोग कौन है भाई? भाई यहाँ क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से मिथाइस पायलट के पीछे आया हुआ था बट पायलट के पास हमें पाके उसने हमें मारने की कोशिश की और हमें मारने का ऑर्डर देते ही कोई और लोग आए और पता नहीं कहां से आए और एक दानव जैसा बंदा भी था जिसने उनकी टीम को मार दिया और हमें किडनैप करके यहां इन लोगों के साथ लटका दिया। गेम की शुरुआत में तो एक बंदी को लटकाया हुआ था यहां पे तो पूरा गांव लटका हुआ है। देख के तो ये किसी कसाई खाने से कम नहीं लग रहा। इससे पहले वो दानव हमारे को आके इन लोगों में से किसी एक के जैसा हाल करे यहाँ से निकलते हैं। लारा की बैकबोन को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि कितनी बार गेम में गिर चुकी है अब तक तो इसकी बैकबोन टूट जानी चाहिए। खैर कुछ कोई नहीं अच्छी बात है नहीं टूटा है। हैपनिंग नहीं मोहतरमा कसाई लगता है फिर आ रहा है। यहाँ से भागने का कोई रास्ता खोजना पड़ेगा नहीं तो आई थिंक मुझे नहीं लगता जिंदा छोड़ेगा। और उसके पास जो गोटा है उसके नीचे तो शायद मैं मच्छर की तरह फिसल जाएगी। सामने गुफा तो है घुस जाए बस। अरे घुस जा भाई साहब। चलो फाइनली अंदर गई। आ गया क्या? एक मिनट आ गया भाई साहब। देख रहे हो उसका हथियार देखो गलती से एक पड़ जाए तो बंदा उठे नहीं उड़ जाएगा। भाई साहब इन सब लोगों को लगता है इसी ने मारा है। देख रहे हो यहाँ खोपड़ियां किस तरह से पड़ी हुई है।
बिल्कुल कचरा पेटी की तरह, सर धड़ जो शरीर का अंग है, पता नहीं ये कौन सी जगह पे लाके उसने हमें छोड़ा है। लेकिन भाई यहाँ कोई अगर नर्क बोलेगा ना, तो नर्क में से एक ये जगह भी मैं शामिल करना चाहूँगा। कितनी बुरी तरह से, मतलब कोई रहम नहीं है, जिधर देखो वहाँ लाशें ही लाशें। भाई यहाँ जितना जल्दी हो सके निकलना होगा, मुर्दे में क्या देख रही। ओ शॉटगन मिल गया, चलो बच तो जाएंगे इससे। फिलहाल कोई आवाज कर रहा, भाई एक मिनट, कोई अपने बारे में ही बात कर रहा है। They're looking for me. Maybe इस दीवार के पीछे कोई है। एक मिनट, हम कहाँ आ गए भाई साहब? दीवार के पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन हम किसी एंशिएंट टेंपल के अंदर आ गए। ओके, ये हिमिको की कब्र है और यही यमटाई ही है, और यहाँ हमें हिमिको की लाश भी मिल गई है, मतलब सड़ी गली हालात में। ओके, ये काफी जबरदस्त है। थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे कहाँ क्या है। A journey, a pilgrimage to okay. this monastery. Pouring water. हिमी को किसी को पानी दे रही है, मतलब जल दान। And there you are, queen. Not pouring water, it's transferring power. This is an ascension ritual. It's how you chose your successor. सही काम में उंगली करने आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से मनुज। इनको निपटा देते हैं फिर बात करते हैं क्या हुआ। ए ले भाटे खा। चल हट ठरकी। तू भी भटक खा, मर जा। ले मर जा, मर गया। राज हो जा, बाज हो गया। तो हमने देखा कि भाई हिमिको यमटाई किंगडम के अंदर उसका शरीर पड़ा हुआ है कब्र के अंदर, और उसके अंदर जो नेचर की शक्तियां हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने किसी सक्सेसर को ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये आइलैंड के लोग मे भी उस सक्सेसर को खोज रहे हैं, तो इसीलिए ये पूरा राड़ा है। ओ भाई आ गया, ओ नीचे ना आए तो बस। चलो फाइनली नीचे तो नहीं आया, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं और सैम को खोजते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे जितना देखा कि इसमें सक्सेसर को खोजने का एक तरीका है इनका, मतलब एक रस्म के जरिए फायर रिचुअल कहते हैं। अब वो क्या है मुझे आइडिया नहीं है, बट उस फायर रिचुअल के जरिए उस सक्सेसर को खोजा जा सकता है। तो चलो ये सब ना फंसते हुए यहाँ से निकले जितना जल्दी हो सके। सामने आ रही इन हवाओं को देख के तो लग रहा है मौसम बिगड़ चुका है,
और जितना जल्दी हो सके हमें कैसे भी करके रोथ के पास पहुंचना होगा और इन्फॉर्म करना होगा कि शुरुआत में मिलने वाला बंदा मिथाइस वो कोई सही बंदा नहीं है और उसने हमें मारने की भी कोशिश की है, तो मे भी हमारी सेम जो है वो भी किसी मुसीबत में हो। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पे जाके इन्फॉर्म करते हैं। पर हवा तो इतनी है भाई कि मुझे नहीं लगता यहाँ से निकलने का चांस भी मिलेगा। भाई साहब एक गलती और मैं उड़ जाऊँगा यहाँ से, मतलब लारा उड़ जाएगी। ओ भाई पहुँच गया। भाई साहब मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, देख रहे हो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा है मौसम की हालात कुछ सही नहीं लग रहे हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्योंकि मैं भी इसके पीछे शायद कुछ बंदे मिले मिथाइस के। ओके जाए जाए जैसा कि मैंने कहा था, चलो इन्हें खत्म करते हैं फिर बात करते हैं क्योंकि इन्हें मारना भी जरूरी। हराम कर कहीं भी आ जाते मनुष्य, भाग ऐसे। सही बोला, पर मेरे नहीं तेरे मरने का वक्त था। The way out of here was right below them. वो जो अननोन बंदा जो हमें इस आइलैंड पे मिला, मैं जहां तक जानता हूं तो वो उसी सक्सेसर को खोज रहा है और मैं भी सेम में कुछ ऐसा दिखा हो। ओ भाई साले बात पूरी करने नहीं देते, पड़ गई ना गोली, मरा पड़ा रहे यहाँ पे। अपने अननोन बंदे मिथाइस के बारे में इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो तो फर्स्ट एपिसोड के एंड के पहले आप जाके देखोगे तो अपनी जो सेम थी वो एक स्टोरी सुना रही थी हिमिको के बारे में और वो बंदा बड़े ही गौर से सुन रहा था जबकि हमें नींद आ गई वो स्टोरी सुन के। तो उसके बातों के ढंग से शायद उसे लगा हो कि ये उसकी सक्सेसर है और हमारी आँख लगने के बाद उससे किडनैप कर लिया हो मेबी, या फिर क्या सच है हमें तो नहीं पता। लेकिन बस इतना जानते हैं कि मिथाइस ने देखते ही हमें मारने की कोशिश किया। तो पहले हम रोथ के पास पहुंचते हैं और ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं और जितना जल्दी हो सके सैम को खोजते हैं और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकालते हैं। हवा के प्रेशर का इस्तेमाल कोई लारा से सीखे, बंदे ने क्या ही दिमाग लगाया है। बस ये हो गया, ये टूट गया। अरे यार ये फिर आ गया, इनको निपटा के बात करता हूँ। हराम कर मनुष्य मर, अरे इसकी तो भाई सीरियस है यार, तीसरे लेवल का हेलमेट और वेस्ट दोनों लगा क्या है। पर मरोगे तो फिर भी क्योंकि मेरे पास शॉर्ट गन है। वो बात अलग है, तीर से मर जा रहे, मर गए सब। चलो Shit, I've got to get out of here. That bell should do it. अब तो हमारी लारा भी यही कह रही है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो इससे पहले कुछ कर दे ये लोग। जिस तरह की हवा चल रहा है, जितना तूफान है ना, तो इस हिसाब से तो हमारी लारा कब की उड़ जानी चाहिए थी। पर दाद देनी पड़ेगी हमारी लारा की, इतने तूफान होने के बावजूद भी टिकी हुई है। चलो फाइनली यहाँ से निकलते हैं। एक घंटा टूट गया। भाई साहब कुछ गलत कर दिया क्या? ओ भाई गजब, चलो बच गए। अब क्या हुआ? ओ भाई वो भड़क गया, भाग लारा इसकी तो, उसको छेड़ दिया ये लोगों ने, वो भड़का हुआ है। भाई साहब निकल 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 लारा भाई,
कम से कम उसे छेड़ने से पहले देख तो लेते कौन है सामने। अरे भाई एक बार मैं यहाँ से बच जाऊं। ओके पहुंच गया, चलो बच। अरे यार भाई मरना लिखा ही है, बच गए। ओके अब कहाँ जाके गिरी, चलो फाइनली पानी में गिरे। ओके बच गए, चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। अब किसने कांटेक्ट किया? सैम। क्या बात है? It's Lara. Oh, oh God, क्या बात है? Good to hear your voice. Yours too, Sam. Is the rest of the crew with you? No, I just managed to steal this radio off a guard. A guard? I've been kidnapped. What? जैसा कि मैंने कहा था, वो किडनैप हो गई है। They keep talking about a fire ritual. ये फायर रिचुअल है क्या? सैम, सैम, द फायर रिचुअल, ओके, लाइक द म्यूरल इन हेमिकोस टूम। रॉथ, आर यू देयर? आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द पैलेस, द अदर्स बीइंग हेल्ड देयर टू। आई विल कैच अप टू यू एंड वी कैन गो इन टुगेदर। जैसा कि मैंने कहा था भाई, सैम किडनैप हो चुकी है। हमारा अंदाज़ा परफेक्ट था, सैम किडनैप ही हुई है और किडनैपर कोई और नहीं मिथाइस है। और मिथाइस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि सैम हिमिको की सक्सेसर है और अब वो लोग सैम को फायर रिचुअल रसम के ज़रिए चेक करेंगे कि सैम सक्सेसर है कि नहीं। अगर सैम सक्सेसर निकली तो हिमिको को जितनी भी नेचर की शक्तियां हैं सारी की सारी सैम की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और मैं भी अगर सक्सेसर नहीं हुई तो सैम को रसम के दौरान ही शायद मार दिया जाए या फिर वो रसम के दौरान ही मारी जाए। तो इसी बात पे हम इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सैम को कैसे बचाया जाए। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। और इस वीडियो में ज़रा भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे किंग्स क्लब फैमिली से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड वीडियो में।